यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। पशुधन से रिलेटेड आपका ये चैप्टर रहेगा और राजस्थान का करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, कुछ स्टैटिक जी के आज के सेशन में रहने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप ईवीएस की मॉक टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स को यदि यहाँ पर बाय करना चाहते हैं आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल ईवीएस नोट्स से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आपके एमपी टेट के लिए अवेलेबल है और रीट के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से यदि आप सीडीपी की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डेली 8 PM पर आपकी चल रही है। यदि आप उस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी डिटेल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोग यहाँ पर चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा इन सारी चीजों का। ओके, चलिए वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। यदि हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है कृषि और पशुपालन के माध्यम से आता है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है और जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान जो है सर्वाधिक रहता है। मतलब यदि हम लोग बात करें कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो है कृषि और पशुपालन का माना जाता है 28 से 30% अकेले, और सबसे ज्यादा पर्टिकुलर बात करें तो दुग्ध का सबसे ज्यादा उत्पादन है और भारत में प्रथम भी माना जाता है भारत को दुग्ध उत्पादन के अंदर। फिर यदि हम लोग बात करें, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 15% गाय और 55% भैंसे है। ठीक है, तो ये एक डेटा यहाँ पर बताया गया कि कितने प्रतिशत क्या है, तो 15% गाय है और 55% भारत में भैंसे है। ठीक है, विश्व की यदि कुल संख्या का बात करें। आगे यदि हम लोग बात करें कि भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो की एक मिसाल है। और सबसे यदि बात करें कि कौन सा स्टेट यहाँ पर अग्रणी है इस कार्य में, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर टॉप नंबर पर आता है दुग्ध उत्पादन के अंदर। फिर यदि हम लोग बात करें छोटे या फिर भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित होते हैं, छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियां सुअर मुर्गी पालन रोजी रोटी का साधन है, गरीबी से निपटने का उनका ये आधार रहता है, तो पशुपालन भी एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर निभाता है। और विश्व में यदि बात करें स्थान की, तो बकरी पालन में दूसरे स्थान पर है, भेड़ों की संख्या में तीसरे स्थान पर है और कुकुट की संख्या जो मुर्गे मुर्गियों की संख्या होती है उसमें 7वें स्थान पर भारत का योगदान रहता है। ठीक है, तो ये पूरी हमने यहाँ पर बात कर ली एनिमल्स की। बकरियों के स्थान में दूसरा है, भेड़ों के स्थान में तीसरा है और कुकुट के स्थान में 7वें नंबर पर है। और दुग्ध स्थान की यदि दूध की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर रहेगा, और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। राजस्थान में पशुधन जो है पश्चिमी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब राजस्थान की पर्टिकुलर यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन दोनों का ही यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में अधिकता से क्या की जाती है, तो अधिकता से की जाती है कृषि, क्योंकि आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं कि जो यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से इनका आकलन किया जाता है कि राजस्थान राज्य में कितने पशु हैं, तो उनकी भी जनगणना यहाँ पर की जाती है। गणना हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हर 5 साल में यहाँ पर गणना की जाती है। आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गणना यहाँ पर कौन करता है, वो क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन करके चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में पशु संपदा के आकलन के लिए राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना करवाई जाती है। कहाँ पर और कौन करता है, राजस्व मंडल अजमेर जो है हर 5 वर्ष में पशुपालन जो है पशु गणना यहाँ पर करता है। राजस्थान व भारत में प्रथम पशु गणना जो है दिसंबर 1919 से 1920 के मध्य में की गई थी। पहली पशु गणना की बात करें यदि राजस्थान में, तो 1900 और भारत की भी बात करें तो 1919 से 20 के मध्य में ये की गई थी। ठीक है, और 1919 की इस पशु गणना में राजस्थान के जयपुर बीकानेर जोधपुर कोटा बूंदी टोंक किशनगढ़ आदि रियासतों में प्रथम पशु की गणना की गई थी। अब ये तो स्वतंत्रता से पहले की बात होगी, 1919-20 की बात होगी। अब यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम गणना जो है 1951 में आई थी कि किसमें पशु गणना हुई थी, और उस समय राजस्थान में, ध्यान रखेंगे ये पहली स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की पशु गणना है, तो इसमें राजस्थान में 2.41 यानी कि 2.41 करोड़ पशु थे। और राजस्थान में जो चारा विकास योजना की शुरुआत 1959 में की गई थी। वन बाय वन करके सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले पशु संपदा की यहाँ पर बात की गई है, पशु
संपदा प्रत्येक 5 वर्ष में इनकी गणना की जाती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। पहली गणना 1919-20 में हुई थी, ठीक है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की पहली गणना 1951 में हुई थी। 2.41 करोड़ यहाँ पर टोटल पशु थे और चारा विकास योजना जो है 1959 में हमारी स्टार्ट की गई थी। और यदि हम लोग यहाँ पर थोड़ी और आगे बात करें तो राजस्थान राज्य के अंदर 1970 के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। राजस्थान में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। तो आपसे कुछ केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपका स्टैटिक जीके के अंदर आएगा कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। फिर आपसे यदि पूछा जाए कि चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर स्थित है, तो ये मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। ये बात होगी हमारी 1970 की। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1973 पर आते हैं। 1973 के अंदर राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि राजस्थान डेयरी विकास की स्थापना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। 15 अक्टूबर 2007 की पशु गणना राजस्थान की जब 2007 में हुई थी तो वो राजस्थान की 18वीं पशु गणना थी। यह एक ऐसी पशु गणना है जिसको नस्ल के आधार पर किया गया था, अलग अलग नस्लों के आधार पर इनकी गणना की गई थी। हम लोग देखते हैं जो गाय होती है उनकी अलग अलग नस्लें होती, तो नस्लों को देखते हुए, अलग अलग जीवों की नस्लों को देखते हुए यहाँ पर जो है पशु गणना की गई थी, ठीक है। राजस्थान की 19वीं पशु गणना जो है 2012 में हुई थी और अभी जो 2019 में आपकी 20वीं यहाँ पर पशु गणना हो चुकी है। तो 15 अक्टूबर 2007 को जो है पशु गणना 18वीं पशु गणना थी, उसके बाद जो है राजस्थान की 19वीं पशु गणना जो है 2012 में करवाई गई थी, जिसके प्रमुख अधिकारी श्री भंवर लाल है। और राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में मिलते हैं, सर्वाधिक पशु आपको बाड़मेर में मिलेंगे, सबसे कम पशुधन आपको धौलपुर में मिलेगा। और यदि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो घनत्व के हिसाब से दौसा सर्वश्रेष्ठ रहेगा और सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर जिला सबसे कम पर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। सबसे पहले जो 18वीं गणना है 2007 में हुई थी, 19वीं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या है 20वीं जो पशु गणना है उसको कंपेयर करेंगे 19वीं पशु गणना से। तो 19वीं कब हुई थी, 2012 में हुई थी, अधिकारी कौन थे, श्री भंवर लाल। और उसके बाद देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन आपको बाड़मेर में, सबसे कम आपको मिलेंगे धौलपुर में, और सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो दौसा के अंदर, और सबसे कम बात करें तो जैसलमेर के अंदर सबसे कम पशु घनत्व है। अब देखो राजस्थान सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य उनके विकास की सुरक्षा के लिए 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना करी थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी, ठीक है, 1957 में की गई थी। उसके बाद 1963-64 में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1963-64 में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद 2000-2001 के बीच में क्या किया, जो हमारा पशुपालन विभाग था, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये जो था कि इसमें भेड़ व ऊन की जो है देखरेख की जाएगी, इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन विभाग बना दिया गया जिसको नाम दिया गया पशुपालन डेयरी विकास विभाग, ठीक है। पशुपालन डेयरी विकास विभाग पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, जिसको इन दोनों को मिलाकर 2000-2001 में विलय करके इसका नाम रख दिया गया पशुपालन डेयरी विकास विभाग। ओके, चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 20वीं पशु गणना की। ये तो हमने पुराना सारा पास्ट देख लिया कि 19वीं पशु गणना तक क्या क्या चीजें थी, कौन प्रथम था, कौन क्या था। अब यदि हम लोग 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुधन की बात करें तो 56.8 मिलियन यानी कि 5.68 करोड़ है टोटल पशुधन की संख्या। टोटल पशुओं की संख्या बात करें 2019 के हिसाब से तो ये इतनी है। और जब लास्ट गणना जो लास्ट पशु गणना थी जो कि 2012 में हुई थी वो थी यहाँ पर 7.7 मिलियन यानी कि 5.77 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है थोड़ी सी कमी हो चुकी है, 57.7 से ये आंकड़ा आ चुका है 56.8% पर। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखी गई। राजस्थान जो है 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर आता है यूपी। ये चीजें आपको इसके अंदर देखनी है कि 2012 की गणना से 2019 की जो 20वीं पशु गणना थी उसमें कितना डिफरेंस आया है।
चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अब थोड़ा देश से कंपेयर करके इसको बात कर लेते हैं। अभी हमने राजस्थान की बात करी, अब पूरी कंट्री पूरे देश की बात करेंगे। तो देश में पशुधन गणना वही 1919-20 के समय पर ही की गई थी, और पशुधन गणना में सभी पालतू जानवर जो थे और उनकी संख्या को कवर किया गया था। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात पशु गणना 1951 में हुई थी, अभी हमने पढ़ा। 20वीं पशु गणना में 27 करोड़ से भी अधिक घरेलू एवं गैर घरेलू मवेशी के आंकड़ों का संग्रह किया गया था, ताकि देश में जितने भी पशु और पोल्ट्री से जितनी भी संख्या एक सटीक आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ सके। तो 20वीं पशुधन गणना जो है 2019 में हुई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 में 20वीं पशुधन गणना जो है उसके लिए अंतिम परिणाम जारी किया था कि हाँ इतनी पशु हमारे देश में अवेलेबल है। और पर्टिकुलर यदि पूरी कंट्री की बात करें तो देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, यदि हिंदी में बात करें तो 53 करोड़ 57 लाख है, जो कि पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। यदि पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 2012 की तुलना में 2019 में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यदि राजस्थान की बात करें तो 1.67% समथिंग यहाँ पर पशुओं की संख्या में कमी हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आगे पर्टिकुलर गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट की बात करें तो वन बाय वन करके हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 के 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। तो कितनी वृद्धि हुई, 4.41% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। सेकेंड की यदि बात करें, भैंस की यदि बात करें, तो देखो इसमें आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर गाय दिया हुआ है, आपको गाय की सारी प्रजाति के बारे में पता होना चाहिए, उनके अंदर होने वाले रोगों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य देखभाल और इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवेश जो है, जो आपका एक सिलेबस का एक चैप्टर है, उसमें यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है और इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड। यदि हम लोग अब आगे बात करें राजस्थान भैंसों के मामले में, 2012 के 13.0 मिलियन की तुलना में 2019 में ये संख्या 13.7 हो चुकी है और ये दूसरे स्थान पर है, और भैंसों की संख्या में भी 5.53% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अभी हम लोग जस्ट ऐसे ही देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में भी पूरा सारा डेटा जो है उसको कलेक्ट कर लेंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। राजस्थान भेड़ की संख्या की बात करें तो 2012 के 9.1 मिलियन की तुलना में 2019 में इनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है, 7.9 मिलियन इनकी संख्या देखी गई और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। ठीक है, और भेड़ में 12.95% की यहाँ पर कमी देखी गई है 2019 में। राजस्थान में यदि बकरी पालन की बात की जाए तो 2012 के 21.67 मिलियन की तुलना में 2019 के अंदर 20.84 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर रहा है बकरी पालन के अंदर, और यहाँ पर जो कमी हुई है 21 से जो 20 हुआ है वो 3.81% की कमी को यहाँ पर दिखा रहा है। ऊंट की यदि बात करें तो 2012 में 3.26 मिलियन की तुलना में 2.13 मिलियन पशुओं के साथ ये पहले स्थान पर है और इसमें भी 34.69% की कमी यहाँ पर दिखी गई है। अब यदि घोड़े की बात करें तो 2012 में इनकी संख्या 0.38 मिलियन थी और 2019 में हो चुकी है 0.34 मिलियन, तो यहाँ पर भी 10.85% की कमी देखी गई है। और गधों की बात करें तो इनकी संख्या में भी आप देखेंगे काफी ज्यादा कमी देखी गई है, 0.81 मिलियन थे 2012 के अंदर, 2019 के अंदर 0.23 मिलियन हो चुके हैं, 71.31% की कमी यहाँ पर देखी गई है। और गधों के मामले में राजस्थान में जो गधे हैं, ठीक है, उनके मामले में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है, घोड़े की बात करें तीसरे स्थान पर है, ऊंट की बात करें पहले स्थान पर है, ठीक है, और बकरी की बात करें तो बकरी के मामले में भी पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर आप पूरा कंपेयर करके देख सकते हैं सारी चीजों को, 2020 की हम लोग 2019-20 की पशु गणना को देख रहे हैं। बकरी की बात करें तो 20.84 मिलियन, ठीक है, राज्य का कौन सा स्थान है, बकरी पालन में राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक है, और देश में प्रथम राजस्थान यहाँ पर रहेगा, और प्रथम राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक किस राज्य में देखने को मिलेगी आपको, बकरी बाड़मेर में देखने को मिल सकती है। गाय की यदि हम लोग बात करें तो गाय की कुल संख्या 13.9 मिलियन यहाँ पर संख्या है, और पूरे देश की बात करें तो देश में राजस्थान छठे स्थान पर आता है किसके, गाय के मामले में, और प्रथम कौन है, प्रथम यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और राज्य में सर्वाधिक किस राज्य में, सर्वाधिक आपको राज्य के किस शहर में या किस सिटी में सर्वाधिक आपको गाय दिखने को मिलेगी, तो उदयपुर आपका यहाँ पर आंसर होगा। फिर यदि हम लोग बात करें भैंस की तो 13.7 मिलियन इनकी संख्या है,
ईवीएस के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है, तो प्रथम पर कौन रहेगा? प्रथम पर रहेगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी आपको यदि राजस्थान राज्य की बात करें तो जयपुर में। ऊंट की बात करें 2.13 मिलियन प्रथम स्थान है ऊंट का, ठीक है, और देश में प्रथम राजस्थान ही होगा, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग ऊँट की सारी प्रजाति वगैरह को भी डिस्कस करेंगे कि ऊँट की कौन सी प्रजाति जो है बीएसएफ के जवान यूज करते हैं, रेस के लिए किस ऊँट का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। भेड़ की बात करें तो भेड़ की संख्या 7.9 मिलियन है, चौथे स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर भेड़ को लेकर आता है तेलंगाना, काफी कमी यहाँ पर देखने को मिली है भेड़ की संख्या में राजस्थान में। और राज्य किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे? बाड़मेर में आपको सर्वाधिक जो है भेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। गधे की बात करें तो 0.23 मिलियन इनकी संख्या है। देश में जो पहला स्थान आता है राजस्थान प्रथम नंबर पर है, और सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगे? बाड़मेर में। घोड़े की बात करें 0.34 मिलियन, देश में स्थान तीसरा आता है, प्रथम उत्तर प्रदेश है, और राज्य में सर्वाधिक है बीकानेर, करेक्ट है। तो ये पूरी टेबल आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपसे कुछ न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पर पूछा जा सकता है क्योंकि 2019 में ही जनगणना हुई है, तो डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग कुछ पशु प्रजनन केंद्र की। तो यहाँ पर बताया गया कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय जो हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र है वो अविवेकानगर जो है टोंक में स्थित है। बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो भी अविकानगर टोंक में ही स्थित है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की बात करें तो ये आपका रामसर अजमेर में स्थित है। ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये जोहर बीड बीकानेर के अंदर स्थित है। और भेस प्रजनन केंद्र की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है भेस प्रजनन केंद्र वाला, तो भेस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। इसीलिए हम लोग सारे प्रजनन केंद्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं, भेड़ और बकरी का अविकानगर टोंक में स्थित है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की बात करें रामसर अजमेर में स्थित है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो जोहर बीड बीकानेर में स्थित है, और भेस प्रजनन केंद्र की यहाँ पर बात की जाए तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में हमारा स्थित है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग सारी चीजों को रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है? कृषि विभाग जयपुर के द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर के द्वारा, पशुपालन विभाग जयपुर के द्वारा, या फिर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो जयपुर है वो इसको कंडक्ट करवाता है, पशु गणना वो करवाता है। तो हमने अभी देखा था कि जो राजस्व मंडल अजमेर है वो पशु गणना यहाँ पर करवाता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये पशु गणना यहाँ पर करवाई जाती है। एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, तो 20वीं पशु गणना कब से प्रारंभ हो चुकी थी? ठीक है, 2019 तक अंतिम आंकड़े आए थे, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई थी? 16 जुलाई 2017 से, 15 मई 2017 से, 15 जून 2017 से, या फिर 16 अप्रैल 2017 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी? तो आंसर आपका बनेगा 16 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि जो योजना जो है ये किसके द्वारा करवाई जाती है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जो है पशु गणना संपादित करवाई जाती है, ठीक है। और कितना परसेंट योगदान अपना देते हैं पशु? 28 से लगभग 30% के लगभग योगदान जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था में पशुओं के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और कितने परसेंट विश्व में कितने परसेंट गाय और भैंस जो है हमारे बोल सकते हैं देश के अंदर स्थित है? तो 15% गाय और 55% भैंस पूरे विश्व की हमारे भारत के अंदर है, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन में हमने देखा था कि भारत के अंदर जो है, भारत जो है प्रथम है दुग्ध उत्पादन के अंदर, लगभग 121.8 मिलियन टन जो है दुग्ध का उत्पादन यहाँ पर करता है, मिल्क में टॉप है भारत। फिर उसके बाद जो है पशु गणना की हमने बात करी थी कि पशु गणना में सबसे टॉप पर हर 5 वर्ष के अंतराल में इसकी गणना की जाती है। पहली गणना जो है भारत की 1919-1920 के अंदर की गई थी, 1919 और 1920 के बीच में की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पहली पशु गणना है वो हुई थी 1951 के अंदर, राइट। इतना हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 1951 तक हम लोग पहुंच गए थे। फिर हमने देखा था कि जो चारा विकास योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो चारा विकास योजना जो है हमने देखा था 1959 के अंदर
शुरू की गई थी, ठीक है, कब शुरू की गई थी, 1959 के अंदर शुरू की गई थी चारा विकास योजना। उसके बाद हमने देखा था कि जब 1951 में स्वतंत्रता के समय जब पशुगणना की गई थी तो कंपेयर करें तो 2.41 करोड़ के लगभग पशु हमारे उस समय अवेलेबल थे, ठीक है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया था कि 1951 में कितने पशु अवेलेबल थे। फिर हमने देखा था 1970 यानी कि 1970 में श्वेत क्रांति की स्थापना, श्वेत क्रांति जो है राजस्थान राज्य के अंदर लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई थी सूरतगढ़ के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि चारा बीज केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई थी जैसलमेर के अंदर की गई थी, ठीक है। जैसलमेर का जो मोहनगढ़ है उसके अंदर जो है चारा बीज फार्म की यहाँ पर स्थापना की गई थी, राइट। यहाँ तक सारी चीजें रिवाइज हो गई। उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि जो राजस्थान डेयरी विकास है उसकी स्थापना 1973 यानी कि 1973 के अंदर की गई थी। देन हमने कुछ जनगणना के बारे में देखा था कि 15 अक्टूबर 2007 को 18वीं जनगणना यहाँ पर शुरू की गई थी, और ये एक ऐसी जनगणना थी जो कि नस्लों के आधार पर की गई थी, पशुओं की नस्लों के आधार पर की गई थी। 19th जो यहाँ पर पशु गणना थी, पशुओं की जो गणना थी वो 2012 में की गई थी, श्री भंवरलाल के देखरेख में की गई थी। और यहाँ पर जो है सबसे अधिक पशु बाड़मेर में पाए गए, और सबसे कम पशु की बात की जाए तो धौलपुर में पाए गए थे, ठीक है। तो ये 19वीं जनगणना की बात हो गई। उसके बाद हमने 20वीं जनगणना देखी रही थी कि 20वीं जनगणना में क्या क्या आंकड़े यहाँ पर रहे, तो ये कुल संख्या हमने यहाँ पर पूरा टेबल फॉर्मेट में देख लिया था कि इस प्रकार से जो है जनगणना नहीं है। बकरी पालन की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान प्रथम है, ऊंट में राजस्थान हमारा प्रथम रहेगा, और गधे की बात करेंगे तो इसमें भी राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। लेकिन ओवरऑल यदि राजस्थान की बात करें तो 1.66% जो है यहाँ पर पशुओं की संख्या में कमी देखी गई है, क्योंकि 20वीं जो जनगणना थी इसमें पशु कितने थे, 56.8 मिलियन थे। लेकिन 19 में जो हमारी 19वीं जो जनगणना थी जो की 2012 में हुई थी इसमें 57.7 मिलियन पशु थे। तो यहाँ पर परसेंटेज 1.66% जो है कमी देखी गई है पशुओं के अंदर। और पूरे भारत की बात करें तो पशुओं की संख्या में 4% की समथिंग की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ओके। और इसके अंदर हमने एक चीज और देखी थी कि 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी, फिर 1963-64 के अंदर जो है भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की गई, फिर इन दोनों को मिलाकर 2000-2001 के अंदर इन दोनों का विलय कर दिया गया, पशुपालन डेयरी विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई, ओके। तो ये आज जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने यहाँ पर पढ़ी, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग क्विज कंप्लीट करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आप शॉर्ट नोट्स से ही सारी चीजों को रिवाइज करते रहें, ओके। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।